आपको सीधा प्रयागराज के करेली लिए चलते हैं, जहां पर जावेद अहमद के घर की, ये देखिए जावेद मोहम्मद के घर का ध्वस्तीकरण लगभग पूरा हो चुका है। पोखरण मशीन की कार्रवाई आप देख रहे हैं लाइव और एक्सक्लूसिव, और लगभग जमींदोज कर दिया गया है इस दो मंजिला आलिशान मकान को। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद। जावेद पंप के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लगभग जमींदोज कर दिया गया है इस इमारत को, धूल का गुबार आसमान में और पोखरण मशीन का एक्शन जारी वहां पर। प्रयागराज से यह तस्वीरें लाइव आपकी स्क्रीन पर। अभी भी लोग वहां पर मौजूद, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद और ये कार्रवाई जारी। साजिशकर्ता बताया जा रहा है जावेद पंप को, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जुमे की नमाज के बाद हुई शुक्रवार की हिंसा का, और इसीलिए यह एक्शन। उसके घर को अवैध निर्माण बताया प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, नोटिस चस्पा किया। इससे पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन कल रात को नोटिस चस्पा किया गया कि सुबह 11 बजे तक इस घर को खाली कर दिया जाए, और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि उनकी आंख के सामने ये क्या चल रहा है और ये ध्वस्तीकरण कितना समाप्त हो चुका है, कितना बाकी है। मोइन, ये सब दी है डॉक्टर अम्बेडकर। मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, और उस वो जेसीबी मशीन जब से आई है तब से कार्रवाई में तेजी आ गई है, तो तेजी के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और अब लगता है कि ये कार्रवाई शायद अंतिम दौर में है। जो बाहरी हिस्सा है उसे काफी हद तक गिराया जा चुका है, जो बेस हैं, जो पिलर हैं, उनको तोड़ने का काम चल रहा है। तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब उस तरीके से धूल का गुबार नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बाहरी पर्दे थे, बाहरी दीवारें थी, उनमें से ज्यादातर को तोड़ा जा चुका है। तो सिर्फ कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जो बेस है वो बचा हुआ है, जो पिलर्स हैं वो बचे हुए हैं, और धीरे धीरे कर एक एक पिलर को गिराया जा रहा है ताकि पूरी की पूरी बिल्डिंग को धराशायी किया जा सके। तो सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, और आपको बता दें कि जो सरकारी महकमा है वो अभी भी उसी तरह से मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। और ये देखिए, ये बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है, गिराया जा चुका है, और सिर्फ आगे का हिस्सा बाकी है। तो मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे के अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हुई नजर आ सकती है। तो पीछे का पूरा हिस्सा जो है वो गिराया जा चुका है, आगे का हिस्सा उस पर कार्रवाई चल रही है, और कुछ मिनटों में या लगभग कह सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर ये पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाएगी। और देखिए, ये जो जेसीबी मशीन है ये मलबे के ऊपर चढ़ गई है, जो जेसीबी मशीन है वो मलबे के ऊपर चढ़ गई है, मलबे के ऊपर चढ़ करके कार्रवाई की जा रही है। और पीछे का ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, अचानक तेजी से धूल का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा होगा, और पीछे का पूरा हिस्सा अब टूट चुका है। और जिस तरह से देखिए, ये जेसीबी मशीन सरकती हुई, देखिए मलबे का ढेर कितना ज्यादा है कि जेसीबी मशीन वो सरक आई है नीचे, और देखिए आगे का जो हिस्सा है वो अब तोड़ा जा रहा है। और माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही देर में ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। तो कुछ देर पहले, यानी कुछ घंटों पहले, 12:30 बजे के आसपास हम दिखा रहे थे कितनी आलिशान, कितनी खूबसूरत यहाँ पर इमारत थी, करोड़ों की लागत से इसे तैयार किया गया था। और जो पास पड़ोस के लोगों ने जानकारी दी थी कि इस बिल्डिंग को बनाने में 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगा था, लेकिन तोड़ने में, इसको जमींदोज करने में सिर्फ कुछ घंटे का ही वक्त लग रहा है, और लगभग 3 घंटे का वक्त हो चुका है। दोपहर 12:30 बजे के करीब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई थी, और आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे का हिस्सा है, मतलब आधे से ज्यादा बिल्डिंग वो जमींदोज हो चुकी है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आधे घंटे के अंदर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद और जावेद पंप की ये आलिशान इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। तो लगातार तेजी के साथ जेसीबी मशीन कार्रवाई कर रही है, और देखिए जेसीबी मशीन फिर से एक बार मलबे के ढेर के ऊपर चढ़ करके कार्रवाई कर रही है, और बहुत तेजी के साथ ये गिराया जा रहा है। तो सिर्फ गिराया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं गिराई जा रही है, बल्कि एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि योगी राज में, उत्तर प्रदेश में जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसका
यही अंजाम होगा, उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, संपत्ति कुर्क की जाएगी और संपत्ति पर इसी तरीके से बुलडोजर चला जाएगा और सिर्फ संपत्ति पर ही नहीं बल्कि मंसूबों पर और साजिशों पर भी इसी तरीके से सख्ती की जाएगी, उन्हें भी नाकाम किया जाएगा। तो धीरे धीरे मलबे के ढेर में तब्दील होती नजर आ रही है ये आलिशान इमारत और उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर ये बिल्डिंग जो है ये पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। प्रयागराज हिंसा के बिल्कुल मोइन, अभी कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी और अभी की जो तस्वीर है उसमें बहुत फर्क आ चुका है। कुछ देर पहले यानी आधे घंटे पहले तक जो स्थिति थी यहाँ पर उससे बहुत कुछ स्थितियाँ बदल चुकी हैं। पहचानना मुश्किल है, ये समझना मुश्किल है कि आधे घंटे के भीतर इतना क्या हुआ कि अब वहाँ पर कुछ भी लगभग बचा नहीं है। टूटी फूटी दीवारें, ईंटें, सरिये उससे निकले हुए और मलबा, सिर्फ यही नज़र आ रहा है मोहिन। और बिल्कुल ठीक बात है कि आधे घंटे पहले या लगभग 40 मिनट पहले तक जो धूल का गुबार था वो बहुत हद तक कम हो चुका है। जो बचा है इस वक्त इस ढांचे में वो है क्या मोहित? देखिए, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये जो पूरी आलिशान इमारत थी इसकी चौड़ाई 25 फीट थी और जो गहराई थी वो 60 फीट थी, यानी चौड़ाई से जो गहराई है वो तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा थी। पीछे के हिस्से से कार्रवाई इसलिए शुरू की गई ताकि पीछे की तरफ जो कई दूसरे मकान बने हुए, चूंकि रिहायशी बस्ती है इसे सट करके तमाम मकान बने हुए हैं, तो जो पीछे के हिस्से की तरफ मकान बने हुए हैं उनको नुकसान ना पहुंचे इन बुलडोजरों से, जेसीबी मशीनों से, इसलिए पीछे की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई। पहले सेफली जो है वो देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन मूवमेंट कर रही है, पूरी 360 डिग्री जो है बहुत तेजी के साथ घूम गई है मलबे के ढेर पर चढ़ करके। देखिए ये जो इसके ड्राइवर हैं ये नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इनको प्यास लगी होगी, पानी मांग रहे होंगे या थक गए होंगे। और समझा जा सकता है कि 46 डिग्री के करीब तापमान है, इसके साथ साथ आज उमस काफी ज्यादा है, बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी है, उसमें कुछ भी पल जो है यहाँ पर काम कर पाना सबके लिए जो है वो बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तो कार्रवाई कुछ पलों के लिए रुकी हुई। यहाँ पानी बिल्कुल, मैं जैसा कह रहा था कि पानी मांग करके पी रहे हैं जो जेसीबी मशीन के ड्राइवर हैं, जो संचालक हैं, पानी पी रहे हैं और पानी पीने के बाद फिर से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और कहा जा सकता है कि ये कार्रवाई अब अपने आखिरी दौर में है और आधे घंटे से भी कम का वक्त लगना चाहिए जब ये पूरी कार्रवाई जो है अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। छतें सारी धराशायी हो चुकी है मोइन, सारी छतें जो थी इस बिल्डिंग की वो नीचे गिर चुकी हैं, सारे पिलर्स धराशायी किए जा चुके हैं। देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 60 फीट गहरी ये बिल्डिंग थी और मुझे जो लगता है कि इसमें 40 से 45 फीट जो पीछे का हिस्सा था वो गिराया जा चुका है, पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील किया जा चुका है, सिर्फ आगे का 15 से 20 फीट का हिस्सा ही बचा है जिसे गिराया जाना है, क्योंकि जो बेस था, जो पिलर थे वो पीछे से वो उखड़ चुके हैं, उसको जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट खत्म हो चुका है। इसलिए आपको बता दें कि अब आगे का जो हिस्सा बचा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, उसी हिस्से को गिराया जाना बाकी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आधे घंटे के अंदर ये जो स्वस्थीकरण की कार्रवाई है ये खत्म हो जाएगी। और योगी सरकार जो संदेश देना चाहती है वो संदेश शायद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। तो देखिए उमस भरी गर्मी जिस तरह से है, जो पुलिस वाले हैं वो कैसे बेहाल नजर आ रहे हैं, पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं, जो नगर निगम और विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, लेबर हैं, देखिए कैसे जो है वो गमछे से जो है अपने चेहरे को पोंछते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस कर्मी भी पीछे हो गए हैं, छांव तलाश रहे हैं। और देखिए ये एक मीडिया कर्मी है जिन्होंने लाइव फ्रेम दे रखा है, पीछे हट करके दीवार पर जो है अपना कैमरा टिका रखा है। कितने मुश्किल भरे हालात में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी अमले के हों चाहे मीडिया के लोग हों। और देखिए ये एक बार फिर से जो है वो जेसीबी मशीन को चलाने की कोशिश की जा रही है, शायद इसमें कुछ दिक्कत आ गई है क्योंकि कई लेबर वहाँ नजदीक पहुंच गए हैं और रिंच और हथौड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई। देखिए ये हथौड़े से सिर ठोका जा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई हैं क्योंकि इतने मलबे में काम करना और मलबे का ढेर भी लगातार गिरता रहता है तो अक्सर इस तरीके की दिक्कतें आती रहती हैं, ये सामान्य सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ मिनटों में ये ठीक हो जाता है। देखिए घर के अंदर से जो सामान निकले थे वो इस तरीके से थे, हमने पीछे के हिस्से से दिखाए थे, ये देखिए एक बेड पड़ा हुआ है, ये मेज पड़ी हुई है लकड़ी की, और तब ये देखिए ये जो
दोपहर के वक्त तक एक आलीशान इमारत दिख रही थी, अब ये खंडहर के तौर पर तब्दील होती दिखाई दे रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि काम शुरू होने के आधे घंटे के बाद यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा जी। ये बताइए वो इनके ये जावेद के घर के पिछले हिस्से को तो आपने बताया कि ध्वस्त किया जा चुका है और आगे सिर्फ 15 से 20 फीट का हिस्सा ध्वस्त किया जाना बाकी है, तो क्या आगे की तरफ भी जेसीबी मशीन या बुलडोजर काम कर रहा है या सिर्फ इस पोकलैंड मशीन से ही ये सारी कार्रवाई फिलहाल अंजाम दी जा रही है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि दो बुलडोजर आए थे, बुलडोजर ने जो बाउंड्री थी उन बाउंड्रीज को तोड़ा था, जो बाहरी दीवारें थी उन बाहरी दीवारों को तोड़ा था, जो मेन गेट था उसको ध्वस्त किया था, उसके बाद ये जेसीबी मशीन आई और जेसीबी मशीन ने पीछे की तरफ से काम करना शुरू किया और ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 75% हिस्सा गिराया जा चुका है, सिर्फ 25% हिस्सा बचा हुआ है, सपोर्ट ना के बराबर है। देखिए एक बार तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आगे का हिस्सा है बीच का उसके पिलर गिराए जा चुके हैं, फिर साइड की दो दीवारें बची हुई हैं, किसी वक्त ये पूरी जो बिल्डिंग है ये धाराशाही हो सकती है, मलबे के ढेर में तब्दील हो सकती है, सिर्फ कुछ मिनटों का ही वक्त बाकी है। आपको बता दें कि ये हिंसा प्रयागराज में जो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी उसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जावेद मोहम्मद, उस जावेद पंप का ये आलीशान मकान था, क्योंकि मास्टरमाइंड था इस वजह से उसके खिलाफ बुलडोजर चलाए जाने का फैसला लिया गया, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और जो हिंसा हुई थी हिंसा के कुछ घंटे बाद ही उसे इसके घर से गिरफ्तार किया गया था, इसके साथ ही साथ इसकी पत्नी इसकी एक बेटी को भी हिरासत में लिया गया था, लगातार पूछताछ की जा रही थी, एक और बेटी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की जो महिला विंग होती है उसकी अध्यक्ष थी उस पर भी शक था, वो जेएनयू में भी छात्र नेता है, तो अधिकारियों ने यहाँ तक दावा किया था कि उसके बारे में दिल्ली पुलिस की सिफारिश करके पड़ताल कराई जाएगी, उसकी भूमिका की जांच पिता के से बरामद हुए मोबाइल फोन से की जा रही है, किस तरीके के संदेश के आदान प्रदान होते थे पिता और बेटी के बीच वो पड़ताल की जा रही है, ये देखने की कोशिश की जा रही है कि शहर से तकरीबन प्रयागराज शहर से 700 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे होने के बावजूद कहीं वो इस हिंसा की साजिश में शामिल तो नहीं थे, तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि अगर बेटी का भी रोल समझ आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। तो देखिए जो जेसीबी मशीन थी जिसमें कुछ तकनीकी की खराबी आई थी वो एक बार फिर से जो है खड़ी हुई है और देखिए ये कार्रवाई शुरू हो गई एक बार फिर से मलबे के ढेर पर ऊपर चढ़ते हुए, कितना जोखिम भरा काम है, कितना मुश्किल काम है, ये देखिए ये जो मशीन है जेसीबी मशीन मलबे के ढेर पर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, सपोर्ट लिया जा रहा है आगे का जो इसका खंभा होता है जिसको कहा जाता है कि पीला पंजा आमतौर पर कहा जाता है कि पीला पंजा चल रहा है, देखिए फिर से जो है ये कार्रवाई शुरू हो गई है और ये निशाना साधा जाने लगा है और देखिए ये पहला बार फिर से तकनीकी खामी जो थी मैंने आपको बताया था कि ये सामान्य प्रक्रिया है, कुछ देर के लिए इस तरह से तकनीकी खराबी आ जाती है उसको तुरंत सर्विसिंग कर दी जाती है, जो इंजीनियर होते हैं जो मैकेनिक इसके होते हैं उनको साथ रखा जाता है, तो जो तकनीकी दिक्कत थी वो दूरी कर दी गई है और ये लगातार कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आधे घंटे से भी कम का वक्त लगना चाहिए और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ये धाराशाही हो जाएगी, मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी और जब पूरी आगे का हिस्सा जब गिरेगा तो कुछ देर तक यानी कुछ मिनटों तक कम से कम 4 से 5 मिनट तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि बड़ी और आलीशान बिल्डिंग थी, बड़ी बिल्डिंग थी, जब जी पूरी बिल्डिंग का जो बचा हुआ हिस्सा वो गिरेगा तो यहाँ पर कुछ देर तक कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ धूल का गुबार नजर आएगा, तो लगातार जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और देखिए ये बिल्डिंग का एक एक हिस्सा क्योंकि अब बेस नहीं बचा हुआ है इसका, जो पिलर्स गिरते जा रहे हैं तो वो एक बार होता है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो नीचे गिर जाता है, मलबे के ढेर में तब्दील होता जाता है, तो एक एक बार में एक एक हिस्सा जो है वो कई फीट चौड़ा जो है वो गिर जाता है, देखिए ये मलबे को भी हटाया जा रहा है, एक साथ कई काम किया जा रहा है, तोड़ने का भी काम किया जा रहा है, मलबे के ढेर को भी हटाया जा रहा है ताकि जो जेसीबी मशीन है वो आगे की तरफ बढ़ती जाए, उसे रास्ता मिलता चला जाए।
तो कार्रवाई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 3 से 4 घंटे का वक्त लगना चाहिए, क्योंकि बेहद रणनीति के साथ काम किया जाता है। उसका पहले होमवर्क किया जाता है, पूरी बिल्डिंग की जो इंजीनियर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो ये देखते हैं कि पहले किस हिस्से को तोड़ना है, उसके बाद कहाँ आगे बढ़ना है, किस जगह पर वार किया जाना है और कौन सा सबसे वो लास्ट पॉइंट होगा जिस पर अटैक किया जाएगा, जिस पर पीला पंजा चलेगा तो पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये देखिए, ये अब एकदम आखिरी चरण में ये लगता है कि ये फ्रंट के पहले कमरे थे, ये फ्रंट के पहले कमरे थे, उस कमरे तक, उस पहली मंजिल पर बने कमरे तक ये जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है और कार्रवाई जो है वो आखिरी दौर में है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर की। ठीक है, ठीक है जी 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 जी, मोइन हमारे साथ आप बने रहिए। ये तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं ये आखिरी दौर की कार्रवाई की है, ये ध्वस्तीकरण का आखिरी दौर चल रहा है। कोकलेट मशीन अपने काम पर लगी है और कुछ ही मिनटों में ये सब समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं, कुछ ही मिनटों में ये बचा हुआ हिस्सा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। जावेद मोहम्मद का मकान लगभग जमींदोज किया जा चुका है, जो आखिरी कुछ हिस्सा बचा है उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है और इसीलिए हम आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। ये देखिए आप, अगला हिस्सा और आखिरी हिस्सा ध्वस्त किया जा रहा है। मोइन वहीं पर मौजूद हैं, लगातार ये कार्रवाई लगभग 3.5 घंटे से जारी है। मोइन, ये आखिरी अगला हिस्सा है? वो फ्रेम दो, फ्रेम, फ्रेम, फ्रेम। जी मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कार्रवाई जो है, जी जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आपको बता दें कि कार्रवाई अंतिम दौर में है और अब सिर्फ 10 फीट का हिस्सा बचा रह गया है, यानी 60 फीट गहराई वाले आलिशान मकान का आगे का 10% हिस्सा, 10 फीट का हिस्सा बचा रह गया, यानी ये कहा जा सकता है कि 80% जो है वो बिल्डिंग गिराई जा चुकी है, सिर्फ 15 से 20% काम ही बाकी है और कभी भी ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये जमींदोज हो चुका है, हो सकता है मलबे के ढेर में तब्दील हो सकता है और बाहरी जो मतलब पहली बिल्डिंग का जो ऊपर का हिस्सा जिसे हम समझ पा रहे हैं, जिसे हम एबीपी गंगा के कैमरे के जरिए दिखा पा रहे हैं कि वो आगे के जो कमरे होते हैं, एक एक कमरे संभवतः ड्राइंग रूम है, उसके पीछे ये किचन नुमा कोई चीज दिख रही है, वो गिराया जा रहा है। और ये जेसीबी मशीन की ताकत कितनी होती है, देखिए जहां पर इसका एक वार होता है एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर पड़ता है, तो कितनी ताकत है इस जेसीबी मशीन में ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो लगातार मुस्तैद हैं और हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरें कैमरे को घुमा करके दिखाते चले जाएं जो है। तो ये थोड़ा इस तरफ की भी तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर पीछे ये लोग डटे हुए हैं, लगातार जो है वो पसीना पोंछते हुए, देख मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि गर्मी किस कदर है, तो पसीना पोंछते हुए ये पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, इन्होंने हेलमेट भी सर से उतार लिया है और देखिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक जो कार्रवाई चल रही है उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं ताकि जो घर वाले हैं, जो परिचित लोग हैं, उनको दिखा सकें, उनको बता सकें कि हमने इस बड़ी कार्रवाई को जो योगी सरकार की थी उसको अंजाम दिलाया है। और देखिए ये कार्रवाई दूर से जा कर के, थोड़ा दूर से हम जा कर के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब सिर्फ आगे का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है और पीछे देखिए ये खोखला हो गया है। अरे ठीक पीछे जेसीबी मशीन के ठीक पीछे देखिए जो मकान है, मकान की छत पर कुछ लोग चढ़े हुए हैं और वहाँ से मोबाइल से ये इस पूरे पल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। संभवतः इस मकान में रहने वाले लोग हैं, हर किसी के मन में उत्सुकता है कि आखिरकार यहाँ पर वो क्या रहा है, ये बिल्डिंग कब गिरेगी, कैसे गिरेगी, कितना वक्त लगेगा। और तमाम ये देखिए मीडिया के लोग हैं कुर्सियों पर, चूँकि सामने की तरफ एक ऊंची दीवार है तो कुर्सियों पर चढ़कर पसीना बहाते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये एबीपी गंगा का दूसरा कैमरा है जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं और एक दूसरा कैमरा हमारे सहयोगी रोहित श्रीवास्तव चला रहे हैं। तो दो कैमरे से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एबीपी गंगा के दर्शकों को और आपको बता दें कि कार्रवाई अब एकदम अंतिम दौर में है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कभी भी गिराया जा सकता है। और जो फ्रंट पर ऊपरी हिस्से में एक बड़ी सी खिड़की बनाई गई थी, एक बालकनी टाइप का जो शीशे से ढका गया था, वो सिर्फ वो बचा हुआ है।
बाकी पूरी बिल्डिंग गिराई जा चुकी है, जमींदोज की जा चुकी है और जेसीबी मशीन तेजी से काम कर रहा है। देखिए ये मलबे को हटा रहा है, मलबे को हटाता है, मलबे को हटाकर आगे की तरफ रास्ता खोजता है और आगे बढ़ते हुए कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जाता है। तो कानपुर में हिंसा हुई थी 3 जून को और वहाँ पर जो मुख्य आरोपी था, साजिश करता था, उसका मकान गिराया गया 9वें दिन। लेकिन प्रयागराज का जो सरकारी अमला है वो और भी तेज निकला, और भी मुस्तैदी उसने दिखाई। 48 घंटे के अंदर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तकरीबन यही वक्त था जब प्रयागराज के कुछ इलाकों की सड़कों पर हालात बेकाबू से थे, पूरी तरह से दंगाइयों के कब्जे में थे। पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन 48 घंटे के बाद ही देखिए क्या अंजाम दिया जा रहा है और इसके ज़रिए क्या संदेश दिया जा रहा है। शुक्रवार को इस वक्त हालात बेकाबू थे, सड़कें जो है वो पत्थरों से पटी हुई थी, लेकिन आज यहाँ तस्वीर देखिए, ठीक 48 घंटे के बाद आज यहाँ दूसरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो हिंसा के साजिशकर्ता थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनकी संपत्तियों पर बुलडोज़र चल रहा है और ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ये लगातार जो है ये कार्रवाई आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये वो आखिरी हिस्सा, बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, खिड़की वाला हिस्सा ध्वस्त किया जा रहा है। कि 2 से 3 बड़े वार की जरूरत है जब ये अपना सवाल दोहरा दें जरा, चूंकि तेजी से जेसीबी मशीन चल रही है तो आवाज पहुंचने में दिक्कत। बिल्कुल बोइन, क्योंकि आखिरी हिस्सा मेरा ख्याल है ध्वस्त कर दिया गया इस वक्त, जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, आगे का फ्रंट का हिस्सा ही ध्वस्त किया जा रहा है मोइन। बिल्कुल, जो आगे की पहली की मंजिल का हिस्सा था, हम अपने कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव से कहेंगे कि अब ये बिल्डिंग कभी भी पूरी तरह से गिर सकती है, तो इसको रिकॉर्ड भी करते जाएं ताकि बाद में भी हम एबीपी गंगा पर दिखा सकें। जो दर्शक अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हम बाद में भी उनको दिखा सकें। तो जो आगे का हिस्सा था, उसकी जो पहली मंजिल थी वो ज़्यादातर गिराई जा चुकी है, किनारे का हिस्सा बचा हुआ है, कभी भी वो गिर सकता है, और उसके बाद तो नीचे का जो हिस्सा बचेगा उस पर सिर्फ 2 से 3 बार ही काफ़ी होगा। और ये पूरी जो आलिशान इमारत थी, बड़ी बेशकीमती बिल्डिंग थी, बेहद मजबूती के साथ इसे बनाया गया था, ये पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी, बिल्डिंग का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। और कुछ देर के बाद ये कहा जाएगा कि यहाँ पर कुछ घंटे पहले तक एक आलिशान इमारत थी, तो इतिहास का हिस्सा बन जाएगी ये आलिशान इमारत। और हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि ये तस्वीरें वो रिकॉर्ड भी करते जाएं ताकि बाद में हम एबीपी गंगा के दर्शकों को उसे दिखाते रहें। तो ये देखिए, ये जेसीबी मशीन बहुत तेजी के साथ मूवमेंट करती है और कुछ ही सेकंड में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, तो कितनी तेजी से काम कर रही है। देखिए ये मलबे के ढेर से नीचे उतरी है, क्योंकि अब वहां पर इसका भी खड़ा हो पाना मुश्किल हो गया है, तो कुछ देर के लिए रुका हुआ है काम, लेकिन जैसे ही शुरू होगा तो मुझे लगता है 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा और 10 से 15 मिनट के बाद जो है ये पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी, मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ दिखाई दे रहा है मोइन। और ये पोकलेट मशीन, ये जेसीबी मशीन जो कि अपनी ही जगह पर 360 डिग्री घूमकर बहुत तेज वार करती है, ऐसी स्ट्रक्चर्स पर, ऐसी रचनाओं पर वो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वक्त से सक्रिय है, और उसके आने के बाद से तस्वीर ही बदल गई। और देखिए आप आगे का वो हिस्सा जिसे अब थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसे धराशायी कर दिया जाएगा, यानी कुछ मिनटों में सब साफ। वैसे भी ज्यादातर हिस्सा तोड़ा जा चुका है, कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में यह मशीन यह सारा काम खत्म कर देगी। और जैसा कि मोइन लगातार कह रहे हैं कि कुछ घंटे पहले तक यहां पर एक आलिशान इमारत थी और अब यही कहा जाएगा अभी कुछ मिनटों बाद कि ये जिसको आप मलबा देख रहे हैं, जो खाली जमीन देख रहे हैं, यहां पर एक आलिशान 2 मंजिला इमारत थी जावेद मोहम्मद की, इसे अवैध तरीके से बनाया गया था और इसीलिए ये मशीनें लगाकर धराशायी कर दिया गया है। ये वही व्यक्ति है जिसे पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है 2 दिन पहले जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा का, और ये आप एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ कुछ मिनट। और ये जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ी सी संरचना बाकी है, ये खत्म हो जाएगी, ये भी धूल धूसरित हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। पुलिस मुस्तैद हमारे संवाददाता इस भयावह गर्मी में
तापमान वहां पर 40 डिग्री या उससे भी ज्यादा, और उस धूप में, उस तपिश में लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हर कोण से, ताकि कोई चीज आप चूके ना। और ये जो कार्रवाई है, ये जो मैसेज है, कार्रवाई से ज्यादा एक मैसेज है उपद्रवियों के लिए कि आप उपद्रव का हिस्सा अगर बनेंगे तो फिर ऐसी ही कार्रवाई भुगतेंगे, ऐसी ही कार्रवाई होगी आपके साथ। वो आप चूकने ना पाए, वो कोई तस्वीर, वो कोई फ्रेम आपसे मिस ना होने पाए, इसलिए हमारे कैमरा सहयोगी, हमारे संवाददाता लगातार पिछले लगभग 4 घंटों से वहां पर मौजूद हैं और आपको ये तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पुलिस वहां पर डटी हुई है और ये क्षण सारे वहां पर अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर है और आप देखिए कैसे ये कार्रवाई चल रही है लगातार मुसलसल अपने आखिरी दौर में। मोइन हमें बता रहे हैं कि क्या चल रहा है वहां पर। मोइन, क्या कार्रवाई कुछ मिनटों के लिए अभी और रुकी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 मिनट से जो कार्रवाई है वो रुकी हुई है। दरअसल देखिए, एक बार फिर से ये जो जेसीबी मशीन है ना, इतनी ताकत के साथ काम करती है कि थोड़ी देर में हीट हो जाती है ये, फिर इसको चला पाना, इसको ऑपरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हर थोड़ी देर पर ब्रेक करना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए रोका गया है काम और इसके बाद फिर से ये सिलसिला शुरू होगा और मुझे लगता है कि शायद ये आखिरी ब्रेक होगा जब ये मशीन चलने लगेगी। तो थोड़ा पीछे से हो करके आप काम करिए और ये देखिए, ये जेसीबी मशीन अभी रुकी हुई है और अब जब चलेगी तो मुझे लगता है कि शायद ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लगातार जो है वो फिर एक बार देखिए, ये फिर से जेसीबी मशीन चलनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा रेस्ट दिया गया, उसको भी ओवर हीटिंग हो जाती है तो उसको जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल किया गया और ये धीरे धीरे अब ये मलबे के ढेर को हटा करके रास्ता बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगी और मुझे लगता है कि शायद ये आखिरी बार होगा जब पूरी बिल्डिंग धाराशायी होकर के गिर जाएगी। अब शायद ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि पीछे का जो हिस्सा है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, आगे का बहुत छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा आगे के हिस्से को दिखाएं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आलीशान इमारत थी और अब कैसे धीरे धीरे ये मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही है। तो लगातार जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है और कभी भी जो है ये पूरी कार्रवाई ख़त्म हो सकती है। देखिए, मलबे को हटाया जा रहा है और इसी मलबे के ज़रिए जो है, हटे हुए मलबे के ज़रिए रास्ता बनाया जाएगा, रास्ता बना करके जेसीबी मशीन आगे बढ़ेगी और तब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। तो आगे का जो हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ है उसको गिराया जाना बाकी है, बाकी लगभग जो है वो आप मान लीजिए कि 80 से 85% बिल्डिंग जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है, गिराई जा चुकी है। तो प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के मकान का ध्वस्तीकरण जारी और ये पोकलैंड मशीन फिर से एक बार एक्टिव। कुछ मिनटों के ब्रेक के बाद ये फिर से सक्रिय, थोड़ा सा हिस्सा जो कि आप बचा हुआ देख रहे हैं इसे ही गिराने का काम बाकी है और इसके बाद मैसेज लाउड एंड क्लियर चला जाएगा, स्पष्ट चला जाएगा उन लोगों तक जो के उपद्रव के बारे में सोच भी रहे। सरकार बहुत साफ बता देना चाहती है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा और जब कार्रवाई होगी तो ऐसी भीषणतम कार्रवाई होगी कि वो याद रखी जाएगी, वो नजीर बन जाएगी। यही मुख्यमंत्री का निर्देश है अफसरों को और यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं प्रयागराज में। और जावेद मोहम्मद के मामले में तो उन्होंने ये लगभग कर भी दिया है। ये देख लीजिए आप हालत उस मकान की जो लगभग 3 घंटे पहले तक एक शानदार इमारत थी। 3 से 4 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगे, 1.5 साल का वक्त लगा, लेकिन अब ये मलबे में लगभग तब्दील हो चुकी है। सिर्फ आगे का ये हिस्सा बाकी, एक चोट, कुछ मिनट और ये भी समाप्त, ये भी खत्म। मोइन के पास चलते हैं। मोइन, आंखों देखा हाल आपको लगातार बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोइन, क्या पोकलैंड मशीन ने अपनी कार्रवाई और जिसे आप कह रहे हैं आखिरी स्टेज की कार्रवाई शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, देखिए आखिरी दौर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है लेकिन अभी ध्वस्तीकरण का काम नहीं चल रहा है क्योंकि मलबा काफ़ी इकट्ठा हो गया था तो उस मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जेसीबी मशीन ऊपर की तरफ बढ़ सके। आप देखिए ना, ये जो मलबे का ढेर लगा हुआ है, मलबे के ढेर को नीचे की तरफ गिराया जा रहा है ताकि रास्ता बने, जेसीबी मशीन इस मलबे के ढेर के ऊपर चढ़ पाए और जो आखिरी हिस्सा बचा हुआ है
सिर्फ 15% हिस्सा बचा हुआ है। चूंकि कोई बेस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए कोई भी एक बड़ा वार होते ही ये पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। अगर आगे के हिस्से की तरफ हम आपको दिखाना चाहें, उसके जरिए समझाना चाहें, तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आगे का हिस्सा दिखाएं। ये देखिए, ये जो ऊपर दिख रहा है वो दूसरी मंजिल का हिस्सा है, पहली मंजिल है, और नीचे सिर्फ दो पिलर बचे हुए हैं, जिसपे जो आगे का हिस्सा बचा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, वो सिर्फ इन दो पिलर्स पर जो है टिका हुआ है। तो ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया जाएगा, पहली मंजिल के हिस्से को तोड़ दिया जाएगा, और जैसे ही इस पिलर पर वार किया जाएगा, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी, मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी, और यहाँ पर ये सिर्फ निशान बचे रह जाएंगे। लेकिन ये जो आगे का हिस्सा ना, बड़ा खतरनाक है, इसीलिए जो SP सिटी हैं वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, नाराज़गी भी जता रहे हैं कि लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि जो आगे का हिस्सा है जब गिरेगा तो बहुत तेज़ी से हटेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।